दोस्तों, ये नज़ारा देख रहे हैं यहाँ का, देख रहे क्या नज़ारा यहाँ पे हो चुका है। सो दोस्तों, फाइनली मैं आ चुका हूँ यहाँ विश्वविद्यालय पे। आफ्टर ऑल इतने टाइम के बाद लॉकडाउन में पड़े पड़े घर पे बोर होते होते अकेले फाइनली मौका मिला यहाँ पे आने का, और मैं आया हूँ अपने दोस्त के साथ यहाँ घूमने के लिए। सो दोस्तों, फाइनली मैं इधर आ चुका हूँ अपने दोस्त के साथ विश्वविद्यालय, और मुझे एकदम आज़ाद पंछी सा महसूस हो रहा है, क्योंकि घर पे लॉकडाउन में एकदम बंद कमरे में चार दीवारी में एकदम घुटन सी महसूस हो रही थी। तो आज जाके फाइनली मौका मिला है, जो फीलिंग है मैं आपको बयान नहीं कर सकता कितना ज़्यादा मैं खुश लग रहा हूँ। ये देख सकते हैं मेरे चेहरे पे हंसी, मतलब एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि मैं आपको खुद बता नहीं पा रहा कि मैं क्या वर्ड बोलूँ। इट रियली फील्स सो गुड। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, हम क्या करने वाले हैं। हालांकि मैंने थोड़ा सा प्लान बनाया कि आज चलेंगे दोस्त के साथ थोड़ा खाना खाने, फिर वहाँ का ब्लॉग दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्या चेंजेस हुए लॉकडाउन में, बिफोर और आफ्टर में। सो मिलते हैं वहाँ पर, और मैं अपने दोस्त के पास चलता हूँ, वहाँ से आपको दिखाता हूँ आगे क्या होता है। सो फाइनल गाइज, मैं पहुंच गया अपने दोस्त के पास। आपने इसे हर ब्लॉग में देखा ही होगा, मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त, मेरा हमदम, मेरा कैमरामैन सार्थक, जिसे आपने हर ब्लॉग में ओवरऑल देखा ही होगा, मेरे हर ब्लॉग में छाया हुआ रहता है। तो आप भी कुछ कहना चाहोगे? हेलो गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं नोटों में सब सही होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि इसने अभी बोला, ये थोड़ा शर्मा रहा था बोलने में, लेकिन फिर भी थोड़ा एफर्ट लगाया बोला। हालांकि ये थोड़ा कैमरा शाय पर्सन है, तो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ा बहुत थे कैमरा शाय पर्सन पहले भी, तो अब आदत सी हो गई है। सो दोस्तों, फाइनली अब प्लान ऐसा बना है कि हम जाने वाले हैं करोल बाग, वहाँ पे मार्केट प्लेस है थोड़ा, और वहाँ पे भी थोड़ा बहुत कुछ लंच वगैरह करेंगे। सो दोनों मिलके जाएंगे, और वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा किस तरीके से है। तो आप बने रहना इस ब्लॉग में। सो एक्चुअली गाइस, थोड़ी मेरी जवान फिसल गई, हालांकि ऐसा चलता रहता है। मैं करोल बाग नहीं, कमला नगर जाने वाला हूँ, कमला मार्केट है, तो वहाँ हम जाने वाले हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना, थोड़ा जवान फिसल जाती है। तो दोस्तों, जो ये देख रहे हैं ना मॉल एसटी, जो इसका नाम पहले स्पॉट्स मॉल था, कमला नगर में जो रहने वाले होंगे वो जानते होंगे। तो अब यहाँ जाने वाले हैं, और अंदर जाके थोड़ा बहुत शूट करेंगे, थोड़ा बहुत दिखाएंगे अंदर का क्या हाल है। तो चलते हैं अंदर। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पूरा मॉल का हाल पूरा एकदम सुनसान सा, शांति सा हो गया। ऐसा लग रहा है हम ही दोनों घूम रहे, पूरा भूत बन गए थोड़ा, मतलब एकदम से हंसी आ रही है जब पहली बार देख रहा हूँ कि जो कोई मॉल है जहाँ पे भीड़ भड़क्का होता है वो ऐसा कभी सुनसान सा हो सकता है। आप पूरा नीचे का एरिया भी देख सकते हैं, ये देखिए पूरा नीचे का एरिया देख रहे हैं, बिल्कुल साफ। अब कुछ है नहीं यहाँ करने को, तो चलते हैं हम बाहर ही जाएंगे। और थोड़ा भूख लग रही है, मेरे भाई को भी कह रहा था बहुत भूख लग रही है, तो चलेंगे थोड़ा डोमिनोज, नहीं तो कोई मैकडी वगैरह जो होगा यहाँ आसपास वहाँ चल के थोड़ा बहुत ठूसेंगे। अब हम जैसे लोगों को तो भाई ठूस ही सकते हैं, आप बोल सकते हो, तो चलते हैं वहीं पर ही आगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं और मेरा दोस्त कड़कती धूप में चल रहा है, कम से कम 15-20 मिनट हो गए। अब नौबत ऐसी आ गई है कि हम ये जीपीएस ऑन करके चल रहे हैं, ये जीपीएस दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैकडी हम ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रहा,
और ये जीपीएस हमें तब से धोखा पे धोखे दे जा रहे हैं, दिखा पास कर रहा है लेकिन तब से हमें 20 मिनट हो गए चलते हुए, अब पता नहीं या तो ये जीपीएस लो है या तो मैं स्लो हूँ या पता नहीं क्या है। तो चलो बढ़ते रहते आगे, देखते क्या होता है। सो दोस्तों सामने मेरे पीछे मैकडॉनल्ड्स देख पा रहे होंगे, कम से कम 20 मिनट लगे पहुँचते। सोचा नहीं था कि जहाँ से हम बैठे थे रिक्शे में वहीं आना पड़ेगा। हम चले गए थे बिल्कुल अंदर मार्केट में और जाके हमारी हालत खस्ता हो गई यहाँ आते आते। तो चलते हैं, मेरा दोस्त अंदर गया है कुछ ऑर्डर करने, अब शायद सीट बुक करके रखा होगा, नहीं कर रखा कोई आइडिया नहीं। तो चलते हैं अंदर। तो दोस्तों फाइनली जस्ट मैं वैक्सीन लगवा के आऊँ, कोविशील्ड मेरी वैक्सीन लगी है अभी तुरंत, ठीक है। तो अभी मैं जहाँ हूँ अपने पापा के ऑफिस में हूँ, अभी पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं, यहाँ मैं आया हूँ, यहीं पे वैक्सीनेशन का सेंटर था तो वहाँ से जस्ट लगा के आया। और अभी थोड़ा मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा ना ज़्यादा कुछ दिखा पाऊँगा, तो आज के फिलहाल ब्लॉग में इतना ही था। तो सॉरी गाइस, जितना मैंने दिखा पाया उतना आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा थोड़ा और एडवांस या कुछ ज़्यादा चीज़ दिखाने की। सो दोस्तों फाइनली आज इतना ही ब्लॉग था, तो मिलते किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग में, तब तक टिल देन एंड सी यू। सो दोस्तों जाते जाते मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि मैंने देखा है कि वीडियो मेरे ज़्यादातर लोग नॉन सब्सक्राइब वाले लोग भी देख रहे हैं। सो दोस्तों प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी मेरे सब्सक्राइबर बन जाइए और जुड़ जाइए, ऐसी और मज़ेदार ब्लॉग्स मिलेंगे। हालाँकि मैं थोड़ा ब्लॉग लाने में देर कर देता हूँ, लेकिन जब भी लाता हूँ एकदम अमेजिंग वाले लाता हूँ, क्योंकि मेरे ब्लॉग में थोड़ी प्रेजेंटेशन अलग ही होती है और एडिटिंग भी अलग होती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। और साथ साथ मेरी थोड़ी लॉ के फील्ड में हो तो उसमें भी थोड़ा देखना पड़ता है। सो उसके लिए सॉरी अगर मैं थोड़ा लेट करके डालता हूँ, बट नेक्स्ट टाइम मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलर डालूँ और ऐसे ही आपको और ब्लॉग मिलती रहेंगी। सो गाइस ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करें, वहाँ पर भी मैं छोटे मोटे अपडेट्स देता रहता हूँ। तो फाइनली सी यू, बाय, टाटा।